योगा में आ तेरी नाटकी नाटकी। ओहो दुआ, क्या हो गया आराम से? मैं भी तो देखूं ना कितने अमीर हैं आप। दुआ तुम्हें पता ही है, मसा ही गुजारा हो रहा है आजकल। तो फिर लोगों को पैसे क्यों बांटते फिर रहे हो? दुआ तुम्हें किसने बोला? रूमी का फोन आया था। दुआ देखो ना, सुनहरा तुम्हारी ऐसे ही थोड़ी वीडियो डिलीट कर देगी, उसे पैसे देने पड़े मुझे। लेकिन तुम्हारी खातिर मुझे अगर अपनी जान भी देनी पड़े ना दुआ, तो वो भी मैं हंस के दे दूंगा। नुशेरवान तुम पागल तो नहीं हो गए? सुनहरा ने वीडियो तो डिलीट की नहीं थी। दुआ मैं तुम्हें ना आके समझाऊंगा, अभी मुझे जरा मीटिंग पे जाना है, तो मैं तुम्हें आके समझाऊंगा, ठीक है? ओके बाय। कितना बेवकूफ है। अभी आपको गए हुए 30 मिनट हुए हैं और आपने तीसरी बार कॉल कर दी है। क्यों मैं अपनी बेगम को कॉल नहीं कर सकता क्या? कर सकते हैं, लेकिन मैं कोरियन ड्रामा देख रही हूँ तो बार बार रोकना पड़ता है। नी हाओ। मैं समझी नहीं। नी हो हाय, अब तो समझ गई ना। हाँ जी। अच्छा मुझे तो लगता है आप एमी वहाँ गए हैं, अगर मेरे साथ ही बातें करनी है तो घर आ जाए, एमी बहस जाया कर रही है। नहीं यार मैं वेट कर रहा हूँ, एक फ्रेंड ने बुलाया, उसने डिनर करवाना है, देखो कब आता है। वाह भाई, मुझे तो बोल के गए हैं कि कल वाले सालन के साथ रोटी खा लेना और खुद डिनर करने चले गए हैं। तो यार मैंने थोड़ी पैसे खर्चने हैं, वो तो उसने बुलाया तो मैं आ गया। मैंने खर्चने होते तो मैंने थोड़ी आना था, और मैं तुम्हें फोन ताने सुनने के लिए नहीं कर रहा, बस अपना ध्यान भटकाने के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे इस वक्त बहुत शदीद भूख लगी हुई है और दोस्त मेरा आ नहीं रहा। ओके जो मर्जी करे, मुझे बार बार फोन करके डिस्टर्ब ना करें, मैं अपना ड्रामा कंप्लीट कर लूं। होगा मैं तेरी नाटकी। अरे आ गए आप, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। चले अब मैं भी तैयार हूँ, मुझे भी बाहर से खाना खिला कर लाई। अरे तुम्हें कैसे खिलाऊं, मैं खुद नहीं खा कर आया। गजनवी बस कर दे, खाना नहीं खिलाना ना खिलाए, झूठ तो ना बोले। दुआ मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा जल्दी करो, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। नुशेरवा आपको नजर नहीं आ रहा मैं इतना तैयार हुई हूँ, मैंने कुछ खाने के लिए भी नहीं बनाया कि आप आएंगे और हम बाहर से खाना खाएंगे। यार दुआ तुम सारा दिन करती क्या हो, एक ही काम होता है खाना बनाना, वो तो कम से कम कर लिया करो। तो आप बहुत मजदूरी करते हैं, सारा दिन घर में ही पड़े रहते हैं, खुद ही बना लिया करें खाना। कैसे हो गजनवी, तुम बिल्कुल ही नहीं बदले। लेकिन तुम पूरी तरह बदल गई हो फरा, तुम्हें एकदम से देख के लगा था कोई चुड़ैल आ गई है। तुम्हारे पाँव दिखाओ, सीधे ही है ना? वैसे तुम्हारी सेहत को क्या हुआ है, अच्छी खासी सेहतमंद होती थी तुम, मोटी। ओ, मेरा मतलब सेहतमंद होती थी, अब क्या हो गया, ये सुखी सी हो गई हो, और ये बालों को क्या किया है, बड़ी कोई गरीबों की अंडरटेकर लग रही हो। परा कसम से तुम बच्चे उठाने वाली औरत लग रही हो। गजनवी बस करो झुकते लगाना, तुम क्या जानो मेरे दिल का हाल, क्यों हो गए मेरे ऐसे बाल। ओ मेरा मतलब तुमने तो मेरा हाल पूछना नहीं गवारा समझा जालमा। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे पैसे चुरा के भागी थी? परा वही तो नहीं भूलते मुझे। लेकिन तुम मेरा पता तो करते, मैं कहां गायब हो गई थी? हाँ सोचा था मैंने कि तुम मेरे 3,000 रुपए चोरी करके बाकी हो, तुम्हारा पता करवाऊं, बंदों से बात भी की थी, लेकिन बंदे कहते हमने 6,000 रुपए लेने। मैं क्या, मेरा 3,000 तो पहले ही चला गया, अब और 3,000 क्यों जाया करना, दफा करो। मुझे एक लड़के ने घुमराह कर दिया था गजनवी, वरना मैं ऐसी नहीं थी, कसमें मैं ऐसी नहीं थी।
उसने मुझे बोला मैं बहुत अमीर हूँ, तुम कराची आ जाओ हम शादी कर लेते हैं। जब मैं कराची पहुंची तो मुझे पता चला वो समुन्द्र के किनारे छलियां बेचते हैं। फिर उसने जबरदस्ती मेरे साथ शादी कर ली और मुझे अपनी फैमिली के साथ रखा। अब मैं बड़ी मुश्किल से भाग के आई हूँ गजनवी, प्लीज मेरे साथ शादी कर लो, प्लीज कर लो ना। अब मेरी शादी हो चुकी है। ओ फिर भी कर लो ना। ओ दिमाग सेट है तेरा, मेरी लव मेरी जो ही है। लव तो मैं थी तुम्हारा गजनवी। अब वो है ये ले जी, आ गया आपका खाना। मुझे भूख नहीं है। ओ यार मैंने इतना कुछ खाने को मंगवाया, तू मुझे पहले बोल देते मैं ना मंगवाती। दुआ मैंने तुम्हें बोला था मंगवाने को। अच्छा अब खाएं, मुझे नहीं पता। वैसे क्या क्या है खाने में? दाल रोटी। दुआ मैं कोई जेल का कैदी हूँ जो मुझे दाल रोटी खिला रही हो? ओहो निशीरवा ऐसे नहीं कहते, बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाना शुरू करें। ये तो पानी वाली दाल है, तुम नहीं खाओगी? नहीं मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है, वो अभी आता होगा थोड़ी देर में। हेलो पिज्जे वाले भाई कहाँ रह गए हो, जल्दी आओ मुझे भूख लगी है। ठीक है, कैसी बनी दाल? हेलो, ये तुम्हारा ऑफिस? कौन सा? अरे यही जहां जाफर खड़ा होके पता नहीं आलू के साथ क्या कर रहे हैं। वहां तुम्हारा माल तैयार होता है, टिक्कियां वगैरह बनती हैं। कहां है तुम्हारा ऑफिस? एक मिनट, ये पागल फोन क्यों काट गए? जी इस लड़की को जल्दी मेरे ऑफिस लेकर आओ। अभी लाया। चलो भाई। ओ मैं भाई नहीं बहन हूं। जो भी हो चलो। तुम मुझे सीधे कह देते कि सामने वाले कमरे में आ जाओ। कमरा नहीं है, ये मेरा ऑफिस है। ये ऑफिस है? जी। वैसे अब तुम काम क्या करते हो? I am bread cutlet seller। क्या? नांट की बेचता हूँ मैं। ओ अच्छा, इसका मतलब तुम खुद ही ठेला लगाते हो? ओ चिपकली, ओ मेरा मतलब मेरी पर्सनैलिटी देख के तुम्हें लगता है मैं खुद बेचता हूँ? स्कूल कॉलेजेस में हमारे नांट की बिकती है, मेरा पूरा बिजनेस एम्पायर है। ओ अच्छा, देखो निशेरवा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था मैं तब भी तुमसे प्यार करती थी। तब तुम्हारे पास भी अच्छी खासी सेहत थी, अब तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह माफ करे, शॉपर में से दही निकालने के बाद जब शॉपर को निचोड़े ना तब ऐसा हो जाता है। क्या मैं तुम्हें कहूँ, अच्छा नहीं लगता मैं तुम्हें जुकते मारूं। मुझे पता है निशेरवा, तुम मुझे जो मर्जी कह लो लेकिन तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। लेकिन अब मैं किसी और से प्यार करता हूँ। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा दिल कहता है कि तुम मुझसे अभी भी मोहब्बत करते हो, और औरत का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा प्यार तो होता रहेगा, कुछ खाने के लिए मंगवा लो। मुझे पता था तुम यही काम करने आई हो, मंगती औरत। कैसा तरसे आया, मुंह बना रही है। होगा मैं तेरी। जाफर एक नाटकी तैयार करके अंदर देकर जाओ। नाटकी ओ नाटकी। तुम अभी भी वैसे की वैसे ही हो। योगा में